नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आपकी एब्स कब दिखाई देती है, किस बॉडी फैट परसेंट पे आपकी एब्स दिखाई देने लगती है। लगभग 10% बॉडी फैट जब आपका होता है तब आपकी एब्स दिखाई देने लग जाती है। ये नंबर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी का बॉडी फैट परसेंटेज 12-13 के आसपास हो तब भी दिखने लग जाए, और हो सकता है किसी की 7-8% के आसपास दिखने लगे। जैसे आपके शरीर में, जैसे मान लो 10% के आसपास आपकी एब्स हल्की धुंधली धुंधली दिखने लगी है, तो अगर आप 7-8% के बाद के आसपास बॉडी फैट परसेंट के पास जाओगे, हल्के हल्के फैट कम होएगा आपके शरीर से, तो वो थोड़ी साफ दिखने लग जाएंगी। और वही आप 10% से 11-12% की तरफ जाओगे तो हल्की और धुंधली होने लग जाएंगी। और एक और बात कि लोगों को लगता है कि एब्स, मैंने पहले भी ये बातें कई बार बोली हैं पर एक बार फिर से इस वीडियो में बता देता हूँ कि लोगों को लगता है कि एब्स की एक्सरसाइज करने से एब्स आती है। ऐसा है कि वो जो मसल है वो आपके पेट में पहले से है, मतलब आप कसरत करते हो तो उससे वो मसल आपकी बड़ी होती है, डेवलप होती है, मजबूत होती है। पर ऐसा नहीं, कसरत करने से वो आपकी एब्स निकल के दिखने लग जाएगी। आप जब उसके ऊपर जो फैट आपने इकट्ठा हो गया वो हटाओगे ना, जैसे किताब पे से मिट्टी हटा रहे तो उसके ऊपर लिखा हुआ नाम दिखने लग जाता है, वैसे वो फैट उसके ऊपर से हटाओगे ना तो वो एब्स दिखने लग जाएगी। अगर आपकी एब्स बहुत मजबूत, डेवलप्ड और बड़ी भी है और ऊपर फैट जमा हुआ है तो भी वो नहीं दिखेगी। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ मैं पुराने वीडियोज में, फिर से बताया एक बार। अगर आपको, हाँ एक और बात कहना चाह रहा था कि एब्स के पीछे मत भागो यार। काफ़ी लोग हैं कि एब्स के पीछे भागते हैं कि भागो 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 एब्स चाहिए एब्स चाहिए एब्स चाहिए, मतलब और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एब्स है तो आप सेहतमंद हो, नहीं तो आप सेहतमंद नहीं हो और ना आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एब्स दिख रही है तो ही आप सेहतमंद हो, एब्स होंगी मतलब एब्स ज़रूरत है सेहत की, ऐसा नहीं है। हमारे कितने पूर्वज थे जो कि जिनकी एब्स नहीं दिखती थी, 100-100 साल जी के चले गए, तो ऐसा नहीं कि एब्स ज़रूरत है शरीर की। अब आती है बात, जो लोग स्किनी है, जो बहुत पतले हैं, जिनके शरीर में बहुत कम मसल है, उनको तो खास करके एब्स के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। सबसे पहले तो तुम अगर शरीर में चर्बी कम करके 10% बॉडी फैट के आसपास पहुँचे तो भी तुम्हारी एब्स मतलब जितनी होंगी वो दिखेंगी, पर वो तुम्हारी, तुम इतने पतले हो, तुम्हारे शरीर में इतनी मसल नहीं है कि तुम्हारी एब्स भी उतनी डेवलप हुई हुई हो, तो दिख करके भी वो बहुत अच्छी दिखेंगी। ये तो एक बात। दूसरी बात कि तुम अगर कम मसल है तुम्हारे शरीर में और तुम एब्स लाने के लिए कम बॉडी फैट परसेंटेज करनी पड़ेगी, तो जिनके शरीर में कम मसल होती है उनको ज़्यादा कम बॉडी फैट परसेंट पे जाने से उनको नुकसान हो सकता है। तो तुम्हें पहले अपने शरीर में मसल बढ़ानी चाहिए, फिर बॉडी फैट परसेंटेज कम करके एब्स लानी चाहिए। तो इसका क्या तरीका रहेगा, 14-15% बॉडी फैट के आसपास आ जाओ, मसल बढ़ाने की कोशिश करो, मसल बढ़ती है साथ में थोड़ा फैट भी बढ़ेगा, फिर उस फैट को कम करके वापस से 13-14-15-16% बॉडी फैट के आसपास आ जाओ, फिर मसल बढ़ाओ, फिर वापस ऐसा करो, और फिर जब तुम्हें लगे मसल अच्छी खासी आ गई हमारी तब थोड़ा और कम करके 10% बॉडी फैट की तरफ आने की कोशिश करो, तब तुम्हारे एब्स मतलब एक तो अच्छी भी दिखेंगी और दिखने भी लग जाएंगी। ये जितना भी मैंने बताया 10% और 14-15%, ये सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मतलब फीमेल्स के लिए इसमें 7-8% जोड़ दो जो भी मैंने बताया। मैंने एक पहले वीडियो बताया था जिसमें बनाया था, जिसमें मैंने बताया है कि लड़कों के लिए जितनी बॉडी फैट परसेंटेज है उसकी लगभग बराबरी की लड़कियों के लिए बॉडी फैट परसेंटेज 7-8 जोड़ दो उसमें तो आ जाएगी। तो जैसे लड़के की अगर 10% के आसपास दिख रही है, लड़की 17-18 के आसपास दिखने लग जाएगी, जितनी दिख सकती है लड़की की। ठीक है, लड़की के शरीर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है तो जितनी दिख सकती है वो 16-17% के आसपास दिखने लग जाएगी, हो सकता है 15 के आसपास दिखेगी, हो सकता है 18 के आसपास ही दिखने लग जाए। और लड़कियों को भी अगर मसल कम है, पतली सी लड़की है, शरीर में मसल कम है, तो उसको भी यही तरीका करना चाहिए, 21-22-23% बॉडी फैट के आसपास मसल बढ़ाने की कोशिश करो, फिर थोड़ा फिर वापस इसी पे आओ, फिर तो मसल बढ़ाओ, फिर वापस इसी पे आओ, जब मसल अच्छी खासी बढ़ जाए तो 20-19-18 बॉडी फैट परसेंटेज की तरफ जाने की कोशिश करो। यार मेरा मार्कर ख़राब हो गया था तो हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो, पर ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये मेरे लिए लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए लिखा है। मैं इसे पढ़ करके कुछ भूल ना जाऊँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं इसे पढ़ करके याद कर लूँ कि मेरे को क्या बोलना था। आपको जो भी समझना है वो आप मेरे से सुन करके समझ लो। यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो भी आपको देख करके समझने की ज़रूरत हो, सिर्फ कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं
जिनमें मैं कुछ गणित दिखा रहा था, मैं कैलकुलेशन दिखा रहा था, उसमें देख करके समझने की जरूरत पड़ सकती है, पर ज्यादा लगभग मेरे सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको बोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।